वेलकम बैक व्यूअर्स, डबल पी होम टास्क में आप सबका खुश आमदीद। और डबल पी होम टास्क में आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको भिंडी मसाला। इससे पहले आप मेरे चैनल को इसी क्या लगती है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सूखी कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ आपको चाहिए 1/2 कप चॉप टोमेटो की प्यूरी या फिर 1 चॉप टोमेटो, और 1/2 कप आपको दही चाहिए होगा, 2 कप आपको चॉप्ड प्याज चाहिए होंगे। इसके साथ आपको चाहिए 2 से 3 चॉप्ड हरी मिर्चें और 1/2 चाय का चम्मच जिंजर पेस्ट और 1/2 चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट, और 1/2 किलो आपको चाहिए होंगी भिंडियाँ। मैंने भिंडियाँ जो है वो 1 इंच की साइज़ की काट ली है, आप चाहें तो अपनी मर्जी का। इसके अलावा साथ साथ आपको चाहिए 2 से 3 कुकिंग चम्मच कुकिंग ऑयल का। मैंने एक पैन में जो है पैन गर्म करके कुकिंग ऑयल डाल दी है। इसके साथ मैं डालूंगी अनियन चॉप्ड, प्याज जो चॉप किए हुए हैं, और इसको हम फ्राई करेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि ट्रांसलूसेंट हो जाए नहीं, बस इनका हल्का सा हमने कच्चा कच्चा इनको पकाना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना हमने बिल्कुल भी, और 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये अब देखें मेरा प्याज जो है इस तरह का हो गए, 2 से 3 मिनट लगे हैं। आप इसके अंदर में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और चॉप्ड हरी मिर्च डाल दूंगी। और इसके साथ ही जो तमाम मसाले हैं वो भी हमें इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट डाल दूंगी और साथ ही इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं खुश्क करना क्योंकि भिंडियाँ पकाने के लिए हमें चाहिए होगा। मैं इसमें भिंडियाँ डाल रही हूँ और मसाले में अच्छे तरीके से भिंडियाँ मिक्स करते हैं और उसके बाद हम जो है इसको ढक्कन रख के तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक भिंडी गाली जाती। दस मिनट गुजर चुके हैं, हम भिंडी चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं और देख रहे हैं कि हमारी भिंडी तैयार हो गई कि नहीं। भिंडी हमारी तैयार, इसको मिक्स करते हैं और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी, ये हमारी मसालेदार सी भिंडी मसाला रेसिपी तैयार हो गई है। आप